हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इज इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात। फ्रेंड्स, होम थिएटर बनाने की लास्ट पार्ट में आप लोगों का सबका स्वागत है और इस पार्ट में हम आपको पूरी की पूरी सब कुछ दिखा देंगे। ओके, कि सारे का सारा कनेक्शन आप लोगों को दिखा देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में आप लोगों को मैंने ये वॉल्यूम कंट्रोलर बनाना सिखाया था। ओके, आज मैं बूफर, ट्रांसफार्मर और स्पीकर का आउटपुट दिखाना सिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा का सारा कनेक्शन कर लिया है। घबराइए मत, मैं सब दिखाऊंगा आपको, सब दिखाऊंगा। तो ये देखिए वो वॉल्यूम कंट्रोलर, जो ये देखिए मैंने ये बॉक्स में सेटअप कर दिया है। और ये है वो वॉल्यूम कंट्रोलर की वायर, आप देख सकते हैं। मैंने वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पर लगाया है, ये वेरिएबल रजिस्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया है। ओके, आपको सामने से भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर। ओके, हमने इसको यहाँ पर लगाया है। दूसरा है, ये देखिए, ये स्पीकर का आउटपुट। ओके, ये स्पीकर का आउटपुट, ये दो स्पीकर हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ब्लैक वाला है ग्राउंड और ये दोनों हरा वायर स्पीकर का आउटपुट। ओके, ये इसकी कनेक्शन भी दिखाते हैं। ये देखिए, ब्लैक और दो हरा वाला वायर जो कि कनेक्ट है इस कनेक्टर्स में, इस स्पीकर की कनेक्टर में। ओके, ये दोनों कनेक्शन ये है और इन दोनों कनेक्शन ये है। ओके, मैंने दो दो करके कनेक्शन की है। उसके बाद देखिए वूफर की कनेक्शन, ये वूफर लिखा हुआ है। ये जो दो वायर है देखिए, ये जो दो वायर नीला और पीला, ये दोनों वायर वूफर की कनेक्शन है। इसमें देखिए, ये नीला और पीला कनेक्शन ये वूफर में गया हुआ है यहाँ से। ये है वूफर की कनेक्शन, आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए वूफर कनेक्शन, इसके साथ ये कनेक्ट है। ओके, दो दो करके कनेक्शन की हुए हैं। उसके बाद आता है वूफर का एडजस्टर। यहाँ पर हम बूफर को एडजस्ट कर सकते, मतलब बेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के। ओके, तो ये देखिए वो 100K का पोटेंशियोमीटर, इसको लगा के हम बेस को एडजस्ट कर सकते हैं इन तीनों वायर के हेल्प से। ओके, ये आपको दिखाते हैं। पीला वायर बीच में लगेगा और दोनों रेड दोनों साइड लगेगा। ओके, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पीला वायर और दो रेड वायर, ये हमारा ये बेस का एडजस्ट है। ये देखिए वेरिए पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर हमने लगाया है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से देखिए समझ जाएंगे। सामने से दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बेस का एडजस्ट। ओके, उसके बाद आता है, ये देखिए जो 5 वोल्ट, सॉरी जो ब्लूटूथ की जो कनेक्शन है, ये रेड वाला वायर एंटीना का हमने वहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और बाकी के जो ये वायर है 5 वोल्ट डीसी जो हमने पहले सबसे पहले वीडियो में बनाया था, वो पहले कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये लीजिए, हमने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है ब्लूटूथ के लिए। और दूसरा आता है ये कनेक्टर, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और ग्राउंड, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो फिर हमारा ब्लूटूथ की कनेक्शन भी पूरा हो चुका है। लीजिए, हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन पूरा हो चुका है। ओके, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये 5 वोल्ट गया और ये ब्लूटूथ के लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और ग्राउंड गया। ओके, हमारा ये काम हो चुका है। उसके बाद देखिए ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की तीन वायर देखिए, ये देखिए तीनों वायर हमारे ट्रांसफार्मर की 12012 जो जगह थी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से दो वायर हमने ली है, देखिए ये दो वायर ली है, लेकर यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है हमने। ब्रिज रेक्टिफायर बना के एक डीसी फैन हमने लगाया है, क्योंकि जब बहुत ज़ोर से गाना चलेगा तो ये मशीन बहुत ही गर्म हो जाएगी, हीट सिंक, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए ये फ़ैन हमने लगाया है। ओके, आप देख सकते हैं ये फ़ैन अच्छा खासा एयर प्रोवाइड करता है, जिससे ये मशीन ठंडा रहता है। और ये देखिए स्विच, वहाँ से बंद कर दिया तो ये बंद हो गया। ओके,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा सेटअप हमने कर लिया है कंप्लीट। फैन को भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सेटअप एकदम रेडी है। अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको कैसे मैंने चेक किया। ओके, अभी आप देख लीजिए इसको मैंने चेक कैसे किया, उसके वीडियो मैंने डाला है अभी। और ये देखिए मैंने छेद कर दिया है दिल से, ताकि एयर आ सके और जा सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।